विदिशा के सिरोंज स्थित श्री तारण तरण दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र निसई जी में 17 से 19 जनवरी के मध्य महामहोत्सव संपन्न हुआ। 3 दिवसीय इस आयोजन में श्री जिनवाणी जी अस्थाप वेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण एवं तिलक महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। श्री तारण तरण दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र निसई जी सेमरखेड़ी में श्री जिनवाणी जी अस्थाप वेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण एवं तिलक महामहोत्सव का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। 17 से 19 जनवरी के मध्य आयोजित इस महोत्सव में भक्तों ने भक्ति का आनंद उठाया। हे माता, यह धर्म प्रभावना मेरे जीवन में नित्य प्रति आती रहे और ऐसी धर्म प्रभावना करके मैं भी मुक्ति को प्राप्त करूं। हे माता, मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। भक्तों ने संतों और साध्वियों के सानिध्य में प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद उठाया। इस अवसर पर भक्त प्रभु भक्ति में मग्न होकर मांगलिक गतिविधियों में सहभागिता करते दिखे। महोत्सव के अंतर्गत भक्तों ने प्रज्वलित दीपों से सुसज्जित थालों से प्रभु की मंगल आरती उतारी। आयोजन के दौरान आगंतुक अतिथियों का प्रशस्ति पत्र देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। महोत्सव और क्षेत्र के संबंध में सम्मिलित भक्तों ने बताया कि वंदे श्री गुरु तारणम तीर्थ क्षेत्र सेमरखेड़ी जी में रत्नत्रय महोत्सव का कार्य आज संपन्न हुआ। श्री जिनवाणी जी का स्थाप कलशारोहण एवं वेदी सूतन का अद्भुत कार्य श्रीमंत परिवार समाज रत्न परिवार खुरई वालों के द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ, जिसका पूरा आयोजन का एक प्रयोजन था रत्नत्रय की प्राप्ति अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की सब भव्य जीवन में भावना भाई कि हमारी अंतरात्मा को पंच परमेष्टि को साक्षी बनाकर अंतरात्मा से भावना भाई कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीन रत्नों की प्राप्ति कर यह मनुष्य जन्म सफल हो। और यहाँ सब लोगों ने खूब आराधना की, क्योंकि यहाँ श्री गुरु तारण तरण महाराज जी ने अपनी बहुत तपस्या की, इसी स्थल पर उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की और दीक्षा धारण करके निर्गंत दिगंबर मुनि पद प्राप्त किया। तो ऐसे सद्गुरु की शरण में इतने सारे भव्य जीव जो शुद्ध आत्मा की बात को लेकर अपनी साधना करते हैं और उन्होंने जो अपने जीवन में दो चीज़ प्राप्त किया, सम्यक दर्शन और समाधि, इन्हीं सब भावनाओं को लेकर श्रावक यहाँ आते हैं। बहुत सफल आयोजन रहा। मैं धन्य हो गया यहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण एवं जिनवाणी स्थाप करके एवं पूरा परिवार आज धन्य हो गया। माँ जिनवाणी के कृपा बरस गई। जो भी महानुभाव आए उनके लिए इस महान कार्य मंगल होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्य हो गया इस अतिथि क्षेत्र सेमरखेड़ी में वेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण तिलक महामहोत्सव से। मैं यहाँ उपस्थित गुरु महाराज के तमाम भक्तों का तह हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि ऐसा स्नेह प्यार हमारे परिवार के ऊपर बनाए रहे गुरु महाराज, और गुरु महाराज से विनम्र अनुरोध है। इस कार्यक्रम में सभी जगह की समाज उपस्थिति और उन्होंने सभी ने अपना धर्म लाभ यहाँ प्राप्त किया। इस क्षेत्र की व्यवस्थाएँ की जिम्मेवारी मेरी थी, पर इसमें कोई गलती हो तो सभी समाज बंधुओं से, समाज रत्न परिवार से मैं उत्तम क्षमा चाहता हूँ। 3 दिवसीय आयोजन में भक्तों को प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद उठाने का सौभाग्य मिला। संतों और साध्वियों के सानिध्य में श्री जिनवाणी जी स्थाप वेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण एवं तिलक महामहोत्सव का आयोजन सानंद संपन्न हुआ। जैन फोकस के लिए सिरोंज मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।